इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को वो किसान आंदोलन नहीं मानते। राकेश टिकैत आंसू बहाकर और जो लोग चुनावों में पराजित हो चुके हैं वही किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश सहित यूपी में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी की गई है, लिहाजा सरकार बैकफुट पर नहीं बल्कि किसानों के लिए फ्रंट फुट पर है। आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आजादी को याद रखना और उसे समझना हम सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, यह उनका अपनी सोच है, यह किसानों का आंदोलन नहीं है और बलिया का एक भी किसान उसके भीतर शामिल नहीं है, न उत्तर प्रदेश का कोई किसान उसके भीतर शामिल है। तो उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश किया है और आंसू बहा करके लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसान वाकिफ है और वो समझदार है। उत्तर प्रदेश के भीतर या देश के भीतर जितने बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी हुई है विगत वर्षों में और इस साल भी हुई है, रिकॉर्ड 67 लाख मेट्रिक टन के धान की खरीदारी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है 12,000 करोड़ रुपए का। जो लोग उस आंदोलन के भीतर हैं और जो उसको दम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के जमाने में जो एक वर्ष जो उनके पूरे कार्यकाल में खरीदारी होती थी, आज योगी जी की सरकार में एक साल के भीतर हम उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये तो जो है वो भ्रमित आधार पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास है और इसके पीछे वो लोग हैं जो जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, विभिन्न चुनावों में पराजित कर दिया है। वो गलत और भ्रम पैदा करके चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन आम किसान का उसके साथ कोई समर्थन नहीं। मैं उसे किसान आंदोलन मानता ही नहीं। मनोज जी, सरकार को फ्रंट फुट पर है जिसने किसानों के कल्याण के लिए किस तरीके के नियमों का सुधार किया, जो पाबंदियां थी उनको खत्म किया है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।